workout sessions. चले हीरो बाहर निकल। अरे आजा आजा, आज तो हो ही जाए। एक मिनट। सॉफ्टी खाने लगा था मैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइए। तुम बताओ क्या? क्या? क्या बात है तुमको? हाँ क्या बात है मुझको? नजर मेरा हो। अरे बोला था वो नहीं समझेगा। कोई नहीं समझेगा। मैंने माना कि मैं अपने माशूक से बात कर रहा था। तू चुप रह। मैं बात कर रहा हूँ इनसे। मैं माना कि मैं अपने माशूक से बात कर रहा था। मैं नहीं देख पाया। मैं खोया हुआ था। मैं नहीं देख पाया आप लोगों को। आपने तो अपने माशूक से बात कर दी। आपने मुझे कैसे देख लिया? कैसे देख लिया? री रिलीज हुई थी लैला मजनू। मैं थिएटर्स में देखने गई थी अपने कजिन्स के साथ। लैला मजनू कभी देखी नहीं थी मैंने। मूवी देखी क्योंकि चार या पाँच दिन पहले मूवी देखी थी मैंने। थिएटर्स में गई थी देखने और मैं इतना रोई हूँ लिटरली मेरी चीखें निकल गई थी थिएटर्स में। सब मुझे देख रहे थे इससे क्या हो गया कि मूवी को मूवी की तरह क्यों नहीं दे रही। इवन मेरे कजिन्स ने भी मुझे बोला इतना रोने का ज़रूरत नहीं है, मूवी को एज अ मूवी लो, रो मत, रिलेट मत करो, जितना रिलेट करोगे उतना ही रोना आएगा। बट वो मूवी ही ऐसी है, इतनी ट्रॉमेसाइज्ड है, इतनी इसका कुछ जवाब ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ट्रॉमेसाइज्ड मूवी है। और मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई उसके बाद। फर्स्ट हाफ अच्छी थी, कॉमेडी थी, वहाँ तक अच्छा था जब तक इंटरवल नहीं हुआ। बट जहाँ वो फादर और डॉटर का अप डाउन हो जाता है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती जिन्होंने देखी नहीं है, बट उसमें लैला का जो फर्स्ट हस्बैंड होता है, जब वो डेथ होता है ना, वो बहुत सैटिस्फाइंग था मेरे लिए। कैस बट कि ये इंतज़ार पागल कर देगा मुझे। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ मूवी एकदम आपको यू नो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन लगेगी और बहुत हम रिलेट कर पाएंगे कि हम अपनी खुश, जब कैस अकेले खुश है तो दुनिया में उसे खुश नहीं रहने दे रहे हैं। मैं बहुत रोई हूँ, चीख चीख कर रोई हूँ, इतना रोई हूँ कि घर आते ही मेरी तबीयत ख़राब। मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं घर आई और सो गई। मेरे को इतना ज़्यादा सर दुख रहा था यू कांट इमेजिन कि मैं को कितना दर्द हो रहा था इस ये बैक साइड पे, ठीक है। और बस सुबह शो लेकर आई, आकर सो गई। रात को मम्मी ने कहा बेटा जब से आई हो तब से सो ही रही हो, कुछ खाया पिया नहीं? तो मैंने बोला हाँ मम्मी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मम्मी ने कहा बॉडी वॉडी चेक की? मम्मी ने कहा जुकाम बुखार तो नहीं है? फिर मम्मी ने कहा नहीं तुम्हें तो बदन तप रहा है। फिर थर्मामीटर लाई मम्मी ने, फीवर चेक किया, मुझे 102 बुखार। अब मेरा बुखार ना उतरे, माँ सर पे पट्टी रख रही, ये कर रही, दवा खा लो। दवा खाने का मुझे मन नहीं कर रहा क्योंकि मैं दवा खा नहीं पाती हूँ, मुझे वॉमिट हो जाते हैं। अगला दिन हुआ, मम्मी ने सुबह फीवर चेक किया, इट्स 101.7। उसके बाद फिर मम्मी कहती है बुखार तो इस लड़की का उतर ही नहीं रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। तीसरे दिन मुझे फीवर था 100.6, तो 100 पे आया। फिर हम मम्मी जिद करती है नहीं अच्छे डॉक्टर के पास चलो। फिर मम्मी एक और डॉक्टर के पास ले गई, उसकी दवा खाने के बाद नाउ आई एम फीलिंग रियली गुड। अभी मुझे सर नहीं दुख रहा, मेरा नाक भी खुल चुका है। कफ खांसी तो मुझे आई नहीं रही थी, बस नाक सांस लेने का ही दिक्कत हो रहा था। मुझे वायरल हुआ था लेकिन मूवी इतनी ट्रॉमेसाइज्ड थी कि रो रो के जो मेरी हालत मैंने ख़राब किया, मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी। आई डोंट नो व्हाई बट मैं बहुत रोई हूँ। अविनाश तिवारी एक बार मिल जाओ तो मुझे एक बार, मैं तुमसे बोलूँगी कि तृप्ति तिमरे के साथ एक ढंग की रोम कॉम कर लो, एक अच्छी।
जिसमें तुम लोग को अच्छी एंडिंग मिले साथ में। हालांकि लैला मजनू में एट द एंड तुम लोग खुश थे, तुम लोग इस यूनिवर्स में नहीं थे एक, बट कहीं किसी और यूनिवर्स में जाकर हुए। बट प्लीज एक ऐसी अच्छी मूवी कर लो जिसमें तुम लोग एक साथ हो। मैं क्योंकि बुलबुल, ये लैला मजनू, प्लीज प्लीज अविनाश तिवारी एंड तृप्ति दिमरी, प्लीज एक मूवी अच्छे से साथ में लव रोम कॉम कर लो, ठीक है? बहुत रुलाया है अविनाश तिवारी तुमने मुझे। बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ, जिसका कोई जवाब नहीं। मैं इतना रोई और मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि मैं कितना रोई हूँ। सो बहुत अच्छी मूवी थी, 1000 out of 100 डिजर्व करते हो तुम लोग। लॉट्स ऑफ लव टू लैला मजनू, लव 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 लव, बहुत प्यारी मूवी थी।